है। सोलन से उत्तराखंड के लिए एक युवक पैदल नंगे पैर निकल गया और बाकी युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। इसी कड़ी में युवक विशाल ठाकुर ने यहां की आज के समय में युवा बेरोजगारी के चलते भी काफी तनाव में है, ये बात उन्होंने कही, और जिसके चलते कई बार गलत कदम है वो भी युवा उठा लेते हैं। युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अपने माता पिता से भी खुलकर बात करनी चाहिए। युवाओं को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के मकसद से सोलन से उत्तराखंड पैदल जाने का लक्ष्य रखा है। गलत खान पान के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसे में अपने खान पान की आदतें बदलने के साथ युवाओं को अपने फिटनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सभी को राम राम। तो मैं जो है अभी सोलन से सुबह 5 बजे रनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है उत्तराखंड, सोलन से उत्तराखंड हनौल, जो जहाँ की महासुदेव जी का मंदिर है, तो मेरा टारगेट यहाँ से हनौल तक है रनिंग का। तो इसमें शायद 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे रनिंग के लिए, और मैं ये नई यूथ को, जो नई जनरेशन है, उनको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा कि जो जैसे कि बच्चे अभी प्लस टू में फेल होते हैं, या मतलब अपनी लाइफ में स्टडी में फेल होते हैं, तो मैं उनको मोटिवेशन ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा है। 10-11 साल से मैं कंटिन्यू स्ट्रगल देख रहा हूँ। तो आपके जो है जैसे स्टडी के बाद जो है आपका असली चैप्टर लाइफ के तो आपके स्टडी के बाद शुरू होते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ना अपने फैमिली के साथ सॉल्व आउट करो बैठ के कि ये दिक्कत हो रही है। और मैं माता पिता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है जिस लाइन में, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसी फील्ड में भेजें, उनके ऊपर प्रेशराइज ना करें, क्योंकि उस प्रेशराइज के कारण बच्चा जो है अपने जिस स्टडी जो आप करने के लिए बोल रहे हैं उसमें अच्छे से डेडिकेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो है माइंड में कुछ और ही चला हुआ गोल जो करना चाहते हैं भविष्य में। अगर आप अपने बच्चों को, जो आपका बच्चा करना चाह रहा है, अगर उसको वो करने दो, अगर वो उसमें फेल भी होता है तो आपको जो है आपके खुद को ही वो जो भी ब्लेम आएगा अपने ऊपर ही लगाएगा, ताकि आपको बार बार बातों में कोसे ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो माता पिता उनको सपोर्ट करें। नशा और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, हाँ जी, आजकल जो है नशा के रिलेटेड मैं मैक्सिमम न्यूज़ देखता हूँ, मैक्सिमम जो है ड्रग्स वगैरह जो है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है हिमाचल में, मतलब पूरे इंडिया में ही इसका काफ़ी चला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन है नशे के प्रति, मैं चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई गाइडेंस वाला होना चाहिए, या तो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या फादर मदर, जो आपको एक अच्छी गाइडलाइन में आपको अच्छा पाथ दिखाएं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। नशे में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो लाइफ हमें भगवान ने दी हुई है, हम चाहते हैं कि उस लाइफ यहाँ धरती पर आएँ तो हम अपना कर्तव्य निभाएँ, कि हम यहाँ से जब जाएँ, इस दुनिया से जाएँ, तो लोगों तक यह मैसेज रहना चाहिए कि जो भी था लड़का या लड़की, जो भी था, उन्होंने अपनी लाइफ में एक अच्छा काम किया है, कि जो है यादगार रहें सभी के लिए। तो मैं भाइयों के लिए यही बोलूँगा, बहनों के लिए, कि नशे से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। और साथ में जो भाई बहन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी नोटिस किया, मैं भी सोलन में ग्राउंड में, छोटू ग्राउंड में रनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, तो उनको मैक्सिमम सीन पेन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका खाना पीना सही नहीं है, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, और जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और साथ में जैसे वाइट नमक हो गया, मैदा हो गया, और वाइट चीनी, इन तीनों चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर दें।